नमस्कार मित्रों, मैं ताराना तांत्रिक और सबको स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल तंत्र और मंत्र की दुनिया में। मित्रों, आज मैं मेरे वीडियो में बातचीत करूंगा कि यंत्र कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों होते हैं और ये टाइप्स कौन सी लोगों के ऊपर कौन से टाइप का यंत्र का इस्तेमाल होता है इसके बारे में। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा धैर्य रख के देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के वीडियो में। सबसे पहले जो होता है, चार टाइप का प्रधान होती है, पांच टाइप जो होता है वो एक्स्ट्रा होती है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए होती है। सबसे पहले ये चार टाइप का यंत्र कहता है क्या होता है, जल यंत्र होता है, अग्नि यंत्र होता है, वायु यंत्र होता है और पृथ्वी यंत्र होते हैं। ये चार टाइप का राशि के अनुसार हम सारे इंसानों को 12 भागों में बांटा गया है, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कन्या, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 टाइप के अंदर एक एक राशि, तीन तीन राशि एक एक गोत्र के अंदर आता है। जैसे कर्कट, मीन और वृश्चिक, ये तीनों जल राशि के अंदर आता है। मेष, सिंह और धनु ये अग्नि राशि के अंदर आता है। मिथुन, तुला और कुंभ ये वायु राशि के अंदर आता है। और वृष, कन्या और मकर ये तीनों राशि पृथ्वी राशि के अंदर आता है। अब ये तो आ गए, अब समझ लो कि अगर ये आ गए तो ये राशियों की, ये जो तीन तीन राशियां मैंने कहा है, जैसे कर्कट, मीन और वृश्चिक आ जाता है जल राशि में, मेष, सिंह और धनु आ जाता है अग्नि राशि में, मिथुन, तुला और कुंभ आ जाता है वायु राशि में और वृष, कन्या और मकर आ जाता है पृथ्वी राशि में। ये सारे राशियों के अंदर जैसे होता है, वैसे ये जो यंत्र मैंने कहा था अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, ये चार टाइप का यंत्र भी होता है। अब जो जिस राशि का होता है, यानी जिस जिस व्यक्ति के ऊपर ये यंत्र का प्रयोग करना है, या आप किसी के ऊपर करवा रहे हो या खुद के ऊपर करवा रहे हो, जैसे भी होना क्यों, इसके लिए क्या चाहिए ना, ये आपको सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी है कि ये राशि कौन सी चीज के अंदर आता है, कि आपके राशि कौन सी चीज में कराता है। अगर आपके ऊपर पढ़ना करना है और अगर दूसरे चीज में या दूसरे व्यक्ति के ऊपर करना है तो वो कौन सी राशि के अंदर आता है, इसके लिए व्यक्तियों के नाम जरूरत होता है। क्योंकि जैसे संख्या तत्व होता है, वैसे नाम तत्व से भी एक व्यक्ति का वो कौन सी वर्ण में आता है, यानी जल में आता है, अग्नि में, वायु में, पृथ्वी में, जिसमें भी आया है, क्यों वो वही राशि के अंदर ही होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसके लिए एक कैलकुलेशन है जो मैंने थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन में, आप थोड़ा देख लीजिए मैंने जो कैलकुलेशन आप लोगों को दिखाया। से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये 12 राशि 1 से 12 तक आया है। फिर दोबारा देख लीजिए एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये दूसरी राशि में आ गया वाई सेट। आप ये 12 जो राशि आप देख रहे हैं, ये 12 राशियों के हिसाब से 12-12 करके अक्षरों को रखा गया है। अब उसके नाम अगर आप इंग्लिश में लिखे तो भी उसका है, बंगाली में लिखे तो उसके भी है, हिंदी में लिखे उसके भी है। मैं इंग्लिश में दिखाने की कोशिश करो, आप इंग्लिश में सीखिए कि हर कोई समझ सकता है, नहीं तो मैं हिंदी में लिखूंगा उसका अलग वर्शन है, बंगाली में लिखूंगा उसके लिए अलग वर्शन है। तो इस हिसाब से मैं ना जाके आप डायरेक्टली इस हिसाब से जाइए, दिखिएगा एक ही आएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये तीन राशियों के अंदर ही आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अपने नाम को इस तरह से लिखिए, आपके नाम को पूरे से, नाम और टाइटल को पूरे से पूरे लिखिए और इसको इस कैलकुलेशन के अंदर आइए, मैं जैसे कैलकुलेशन बता रहा हूं वैसे करिए। आप अपने नाम को पूरा नीचे लिख लीजिए, कोई भी एक नाम हो फलाना, ठीक है। आप उस नाम के नीचे, उस जैसे ए बी सी डी जैसे हो गया, उसका संख्या को नीचे में लिखिए, आप जोड़िए। आप अगर देखिए जो भी जोड़ी है, नहीं तो 12 से नीचे किसी एक का भी नहीं आएगा, 12 के ऊपर ही होंगे। तो अब अगर 13 हो गया तो उसके अंदर 12 से उसको भागा दीजिए, यानी उसको डिवाइडेड करिए, कि सोचिए किसको 50 हो गया, पूरे नाम को, नाम और टाइटल को लिखने के बाद उसका संख्या का जो जोड़ है वो 50 आ रहा है। तो अब 12 से जोड़िए, अब 12 से 12 जोड़िए तो 4 बार जाता है, 48 होता है और 2 बाकी रहता है, यानी मेष और वृष। अब वृष कौन सी तत्व के अंदर आता है ना, वो पृथ्वी तत्व के अंदर आता है। तो वृष राशि के लिए जो हम लोग यंत्र बनाएंगे वो पृथ्वी तत्व का, यानी जो पृथ्वी तत्व का जो यंत्र होता है उसके अंदर हम लोग उसके लिए जो यंत्र बनाएंगे उसको हम कहेंगे कि वो जमीन के नीचे गाड़ दे तो ही उसका फल मिलेगा, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका फल कभी भी नहीं मिलेगा। समझ गए, आशा करता हूं आप लोग कुछ समझ गए होंगे। वैसे ही
जो संख्या आप लिखते हैं, आप ये तो समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति के लिए कौन सी यंत्र का जरूरत है वो निकालना। और अगर उसका जन्म तारीख जन्म समय है तो कोई बात ही नहीं, एक चांस में उसको डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ मारिए, उसे क्या राशि है निकल आएगा, उसके हिसाब से यंत्र का आप देख लीजिए। इसके लिए अगर आप कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके लिए आप लोग ये काम कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाने के बाद हॉरोस्कोप एक्सप्लोरर नाम के एक एप्लीकेशन में से, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखिए हॉरोस्कोप एक्सप्लोरर, और उसमें से आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको सिर्फ आपको ईमेल आईडी मांगा जाएगा, आप ईमेल आईडी मारिए कोई भी आपका एक, उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा। एप्लीकेशन खुल जाने के बाद उसके अंदर आपके जो, आप अगर नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन या ईस्ट इंडियन, ये तीनों टाइप के जो चक्र यानी जो चार टाइप स्टाइल होता है, आपके जो पसंद है, आप जो जानते हैं उसी हिसाब से कर लीजिए। यानी आप ज्योतिष, क्योंकि अगर आपको ये पता है तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद कर लीजिएगा। इसमें आसानी है एप्लीकेशन को थोड़ा, मैं इस एप्लीकेशन को मैं दोबारा कभी मैं रिव्यू करूंगा, कोई मुझे कहा नहीं है, कोई पेड के मुझे कोई पैसे नहीं दिए इसके बारे में, लेकिन मैं फिर भी मैं इसके, मैं आप आपसे एक बार रिव्यू कर दूंगा इस एप्लीकेशन को थोड़ा आप लोगों से समझने के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस इतना तक आप लोग इतना समझ चुके होंगे कि आपके लिए कौन सी यंत्र का जरूरत है ना। अब आते हैं यंत्र के प्रयोग के बारे में। अब देखिएगा कुछ यंत्र, जैसे ये यंत्र आप लोग देखिए, इसमें सारे के सारे सिर्फ मंत्र लिखा हुआ है। अब मंत्र लिखे हुए हैं, अब देखिए इस यंत्र को देखिए, इसी यंत्र के देखिए कुछ संख्याएं लिखी हुई है ना, और ये यंत्र को देखिए, इसमें सिर्फ कुछ सिंबॉलिक लिखे हुए हैं। इसका भी अर्थ है, इसका अर्थ अगर हम बताने के लिए जाएंगे तो उसके लिए मेरे पास सीखने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो में समझाने वाली बात नहीं है, इसको समझने वाली बात है, और इसमें मैं वीडियो में मैं आप लोगों को नहीं दे सकता। तो अब देख लीजिए ये टाइप्स, तीन टाइप्स के यंत्र होते हैं, उसमें मंत्र लिखे होते हैं, पूरा मंत्र हो सकता है या बीज मंत्र हो सकता है। जैसे दुर्गा दुर्गा के जो बीज मंत्र है, पूरे मंत्र का जो दुर्गा दुर्गे दुर्गे, इसका बीज मंत्र जो है वो होता है ह्रीम। काली का हो गया क्रीम, लक्ष्मी हो गया श्रीम, तारा का हो गया स्त्रीम, सरस्वती का हो गया यंग, ये जो सारे चीज है इसके साथ एक एक करके बनाया जाता है। आप यंत्र को थोड़ा देख लीजिए, यंत्र कोई तीन संख्या का होता है, यानी त्रिभुज टाइप का एक यंत्र होता है, एक यंत्र आता है गोलाकार टाइप का है, एक यंत्र आता है चौके टाइप का, और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे कक्ष बनाया जाता है, जैसे 9 कक्ष का हो गया, 6 कक्ष का हो गया, 8 कक्ष का हो गया, 10 कक्ष का हो गया, 12 कक्ष का हो गया, 16 कक्ष का हो गया, 20 कक्ष का हो गया, 32 कक्ष का हो गया, ऐसे बहुत सारे यंत्र है। अब इसके लिए एक एक यंत्र के लिए एक एक तरह का किया गया है। जैसे एक ही वशीकरण होता है, वशीकरण का मतलब क्या होता है, किसी को आपके पास बुलाना है, किसी को आपको कंट्रोल करना है। अब ये एक एक व्यक्तियों के लिए जैसे एक एक टाइप का हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही यंत्र भी हजारों टाइप्स का यंत्र है। जैसे बीमारी 3 टाइप का होता है, बात, कफ और पित्त, ये 3 टाइप का बीमारी होती है, तीनों से बीमारी होती है, लेकिन दवाई क्या 3 है, इस दुनिया में लाखों टाइप का दवाई है, मतलब कि बीमारी के थोड़ी आगे पीछे हो जाने से उसका दवाई भी बदलना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम जो भी होना, क्यों प्रॉब्लम इंसानों का 2 ही है, या तो अर्थनैतिक या तो रिलेशनशिप का कोई प्रॉब्लम, इसके बगैर तीसरा कोई प्रॉब्लम इंसानों का है ही नहीं। और तीसरा जो प्रॉब्लम वो रोग भोग शोक ताप है, जिसके लिए दवाइयां है ऑलरेडी, और वो इसके लिए हेल्प बहुत कम लोग लेने के लिए आते हैं, जो 100% ठीक भी होता है ये तंत्र मार्ग से। अब मैं उसमें से नहीं जा रहा हूं, मैं बिल्कुल की जो बात की मुद्दे की बात उसमें आ रहा हूं। तो बिल्कुल वैसे ही जो ये यंत्र है, ये यंत्र एक एक प्रॉब्लम के लिए एक एक टाइप का यंत्र है। अब वो जो आपको सिखाएगा और जो आपको देगा उसी के हिसाब से आपको बता करने, आपको ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखिए कि हर किसी को, अगर कोई एक ही इंसान के लिए, अगर कोई, अगर आप कोई एक ही राशि के व्यक्ति के लिए अगर आप हजारों टाइप का यंत्र दे देंगे तो काम नहीं करेगा। अब जो जल राशि का व्यक्ति है उसका अगर आप अग्नि राशि का यंत्र दे देंगे तो कोई काम नहीं करेगा। अगर कोई पृथ्वी राशि का आया है उसको अगर आप वायु राशि का दे दे तो कोई काम नहीं करेगा। तो इस हिसाब से आपको पहले फाइंड आउट करना है कि कौन सी यंत्र के लिए, कौन सी व्यक्ति के लिए कौन सी यंत्र जरूरी है, फिर उसके लिए वो इस्तेमाल करिए। और आप लोग, मैंने देखा है बहुत सारे लोग मुझे फोन करके ये बताते हो कि गुरु जी मैं फलाना चैनल पे गया था, ये यंत्र देखा मैंने, बनाया, लेकिन कोई काम का नहीं निकला। पता
बात यही है भाई, जो आपको कुछ दे रहा है फ्री में, तो मतलब वो फ्री में नहीं होता, उसके अंदर कुछ छुपे हुए चीज होता है भाई। कोई इतने मेहनत करके जो चीज पाया है, वो कोई खा के आपके लिए फ्री में ऐसे आपको प्रोवाइड करवा देगा? नहीं है भाई, फ्री में ऐसा नहीं है। तंत्र का कोई पैसों से बातचीत नहीं है, लेकिन कोई आपको हो गया और आपको दे देगा ऐसा नहीं है भाई। आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए आपको योग्यता अर्जन करनी होगी। आप कोई बीमारी की बात हो गया तो वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम में आप फंस चुके हो तो उसके लिए आपको उसके लिए मूल्य जरूर चुकाना होता है, फिर जाके आपको उसका फल मिल सकता है। क्योंकि गलती जो आपकी हो ना, गलती आपकी हो, और कोई बाबा कोई ओझा तांत्रिक जो इतना मेहनत करके कुछ सीखा है, वो आपके लिए खामखा कर देगा? कोई नहीं करेगा भाई। तो आशा करता हूं आप यंत्र के बारे में कुछ चीज जान चुके होंगे, और कुछ इसके अंदर से भाई गुप्त रहस्य जो है मैं निकालवा चुका हूं। अगले मैं वीडियो में एक वीडियो अगले मैं आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग क्या सच में ये संख्या, ये बीज मंत्र और ये चिन्ह के बारे में पूरा का पूरा चीज आप लोग जानकारी लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। इसके लिए मुझे कमेंट करना पड़ेगा, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, और अगर नहीं देखिएगा तो मैं अगला वीडियो नहीं बनाऊंगा। आज के लिए विदाई लेता हूँ, दूसरे दिन मुलाकात होगी दूसरी कोई इस वीडियो के लिए। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता रा, जय मां कामाख्या।